हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन हैवी ड्रेस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को ये पोशाक पहना कर दिखाती हूँ। हमने देखिए यहाँ पर कान्हा जी को ले लिया है। इस तरीके से हम ये पोशाक कान्हा जी के गले में पहले डालेंगे और फिर ऐसे देखिए हमें ले जाकर कमर में बांध देना है इस तरीके से। और आगे की तरफ से भी हम इसको, ये जो डोरी है इसको लाके ऐसे बांध लेंगे। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, हमने लड्डू गोपाल जी को ये सुंदर सी पोशाक पहनाई है और आप देख सकते हैं हमारे कान्हा जी इसको पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये सुंदर सी पोशाक बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है adiculturalworld268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की हैवी पोशाक बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए टफेटा सिल्क के फैब्रिक में से एक पीस कट कर लिया है। ये मरून कलर का प्लेन फैब्रिक है। आप इसकी जगह पे प्रिंटेड फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो चंदेरी का कपड़ा यूज़ करके भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बना सकते हैं। मैं आज कान्हा जी के लिए थोड़ी सी हैवी पोशाक बनाऊँगी जो हम किसी फेस्टिवल पर भी कान्हा जी को पहना सकें, तो इसीलिए आज मैंने ये टफेटा सिल्क का फैब्रिक यूज़ किया है। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। तो जब हम इसको मेज़र करते हैं तो कपड़े की जो टोटल लंबाई है वो देखिए मैंने 26 इंचेस यानी कि 26 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच यानी कि 4 इंच रखी है। अब हमें कपड़े को इस तरीके से रखना है और यहाँ नीचे की तरफ से हम डबल फोल्ड करेंगे। तो हमें देखिए इसको पतला सा एक बार फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करना है। ऐसे डबल फोल्ड करते हुए हम नीचे से सिलाई लगाएंगे। इसके साथ ही साथ इसके जो दोनों कॉर्नर्स हैं यहाँ पे भी हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि कपड़ा निकले नहीं और ड्रेस जल्दी ख़राब नहीं हो। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। तो मैंने देखिए एकदम प्लेन कपड़ा यूज़ किया है, तो ड्रेस को हैवी लुक देने के लिए मैं इसमें लेस भी थोड़ी सी हैवी लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे ये रेड कलर की समोसा लेस ले लिया है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लेस है और मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाती है। नीचे की तरफ से इस तरीके से इस पर डिज़ाइन बना होता है। पर अगर आपके पास इसमें की लेस नहीं हो तो आप कोई भी दूसरी हैवी लेस यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ड्रेस का लुक अच्छा लगे। या फिर अगर आप प्रिंटेड कपड़ा यूज़ करें, जैसे कि मैंने ये प्लेन कपड़ा लिया है, तो अगर आप प्रिंटेड चंदेरी का कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो आप पतली सी लेस लगाकर या फिर बिना कोई लेस लगाए भी बहुत इजीली ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अब यहाँ नीचे की तरफ से हमने जो सिलाई लगाई है इस पर हम इस तरीके से रखेंगे और लास्ट तक सिलाई लगाकर लेस जॉइंट कर लेंगे। एक बात और मैं बता दूँ, मैंने देखिए एकदम मैचिंग की लेस लगाई है, पर ज़रूरी नहीं है आप एकदम सेम कपड़े के कलर की ही लेस लगाएँ, आप कॉन्ट्रास्ट में भी लेस लगा सकते हैं। समोसा लेस लगाने की वजह से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये नीचे की तरफ से बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बन गया है। अब हम इसमें एक लेस और लगाएंगे। तो मैंने ये गोल्डन कलर की लेस ले ली है, ये भी बहुत ही सुंदर लेस है और सिंपल सी है। ये इस तरीके से देखिए बंडल में आती है और 60 से 70 रुपये बंडल आपको मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाएगी। इसको हम हैवी ड्रेस बनाते हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कान्हा जी के लिए कोई हल्की सी पोशाक बनाते हैं तो उसमें भी सिर्फ एक लाइन इस लेस की लगाकर हम कान्हा जी के लिए पोशाक बना सकते हैं। ड्रेस का लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप इस तरह की लेसेस ज़रूर ले लें, जिससे कि कान्हा जी की पोशाक बनाना आसान हो जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो समोसा लेस लगाई है ठीक इसके ऊपर इस तरीके से हम ये गोल्डन कलर की लेस रखेंगे और सिलाई लगाकर हमें लास्ट तक इसको भी जॉइंट कर लेना है। नीचे की तरफ से गोल्डन कलर की लेस लगाने के बाद भी अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ऐसे बहुत ही खूबसूरत सा एक बॉर्डर की तरह बन गया है। अब हमें इसमें प्लेट्स डालनी है, तो कपड़े को हम इस तरीके से रखेंगे और किनारे से पहले हमें 1 इंच की जगह वैसे ही छोड़ देनी है। उसके बाद हमें कपड़े को दोनों तरफ से पकड़ के ऐसे फोल्ड करना है और ऐसे देखिए हम पहली प्लेट डालेंगे। अब दूसरी प्लेट डालने के लिए भी कपड़े को हमें दोनों तरफ से पकड़ के फोल्ड करना है और जो हमने पहली प्लेट डाली है ना इसके ऊपर एकदम थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए हम दूसरी प्लेट रख लेंगे।
फिर तीसरी प्लेट डालने के लिए भी कपड़े को हम दोनों तरफ से पकड़ के फोल्ड करेंगे और जो दूसरी प्लेट है उस पर थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए ऐसे हम तीसरी प्लेट रख लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे सिलाई लगाकर पहले तीन प्लेट्स को लॉक करना है, उसके बाद फिर से हम दोनों तरफ से कपड़े को पकड़ते हुए ऐसे प्लेट्स डालेंगे और आगे सिलाई लगाते जाएंगे। हमें ध्यान रखना है जब भी हम प्लेट्स डालेंगे तो कपड़े को दोनों तरफ से पकड़ते हुए फिर ऐसे हम फोल्ड करके प्लेट्स डालेंगे, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ से प्लेट्स एकदम बराबर पड़ती हैं और इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ही पतले पतले से प्लेट्स डालते हुए हमें यहाँ ऊपर की तरफ से सिलाई लगानी है। प्लेट्स डालते हुए हमने देखिए यहाँ कमर पे सिलाई भी लगा ली है। अब हमें इस तरीके से रखना है इसको और सारे प्लेट्स को अच्छे से हम सेट कर लेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर हमें प्रेस लगा लेना है जिससे कि हमने ये जो प्लेट्स डाली है ना वो अच्छे से बैठ जाएंगी। प्रेस लगाने के बाद अब इसका शेप देखिए ऐसे आएगा, सारे प्लेट्स अच्छे से सेट हो गए हैं। अब यहाँ ऊपर की तरफ से कमर पे जो हमने सिलाई लगाई है ना, तो ऊपर से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। हमें ध्यान रखना है सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिर्फ एक्स्ट्रा कपड़ा ही हम कट करके निकालेंगे जिससे कि हम यहाँ पे बेल्ट लगा सकें। तो आज हम बेल्ट जो लगाएंगे वो टिश्यू रिबन से लगाएंगे। तो देखिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल दिया है, सिलाई हमें कट नहीं करनी है। अब मैंने ये गोल्डन कलर का टिश्यू रिबन ले लिया है। अगर आपके पास इसमें का टिश्यू रिबन नहीं हो तो आप शॉर्टन रिबन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इस पर बेल्ट लगाकर डोरी भी डाल सकते हैं। मैंने बेल्ट लगाकर डोरी डालना अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है, तो आप वो वीडियो देखकर फिर यहाँ पे डोरी डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, उसके बाद हमें इस तरीके से आगे की तरफ से ऐसे रखना है टिश्यू रिबन को और सिर्फ एक बार ऐसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हमें लास्ट तक यहाँ से यहाँ तक ऐसे टिश्यू रिबन लगाना है और दोनों तरफ से हम एक्स्ट्रा रिबन छोड़ देंगे। टिश्यू रिबन लगाने के बाद अब हम कमर की टोटल चौड़ाई देख लेते हैं। तो जब हम इसको ऐसे मेज़र करेंगे तो कमर की टोटल चौड़ाई जो है वो हमने देखे 3 इंच यानी कि 3 इंच रखी है। और साथ ही साथ अब हमें इसी की तरह एक पीस और तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही एक पीस और तैयार करके रखा है और इसकी भी जो कमर की टोटल चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच रखी है। तो जब हम दोनों ही पीसेस की कमर की चौड़ाई को मिला देंगे तो जो टोटल कमर की चौड़ाई आएगी वो 6 इंच होगी। तो अब स्कर्ट बनकर बिल्कुल तैयार है, हम कान्हा जी के लिए चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए भी हमने टपेटा सिल्क फैब्रिक से एक पीस कट कर लिया है और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो मैंने 11 इंचेस यानी कि 11 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच यानी कि 3 इंच रखी है। अब देखिए एक बार हमें इसको ऊपर से फोल्ड करना है और ऐसे सेंटर में ला के हम रखेंगे, फिर नीचे की तरफ से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और सेंटर में ले जाएंगे। ऊपर नीचे से फोल्ड करने के बाद अब हमें बीच से भी इसको फोल्ड करना है और एक के ऊपर एक करके इस तरीके से हम इसको रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे। सिलाई लगा के पट्टी तैयार करने के बाद अब हमें फिर से ये समोसा लेस लेनी है और जिधर से हमने सिलाई लगाई है उधर की तरफ से ऐसे किनारे पे हम इसको रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे। लेस लगाने के बाद अब हमें इसको बीच में से बराबर करते हुए फोल्ड करना है और यहाँ सेंटर से कट करके हम दो पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। कट करने के बाद अब हमें दोनों पीसेस को एक के ऊपर एक करते हुए रखना है और जो लेस है वो हमने देखिए एक ही साइड से रखी है। अब यहाँ नीचे से ले करके 1.5 इंच ऊपर तक हम तिकोने में ऐसे सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से इधर की तरफ से भी हम तिकोने में ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही तरफ से हमने 1.5 इंच ऊपर तक, मैं आपको ऐसे मेज़र करके दिखाती हूँ, देखिए 1.5 इंच ऊपर तक हमने इसको तिकोने में सिलाई लगा ली है दोनों ही तरफ से और बीच में हमने थोड़ी सी जगह खुली छोड़ दी है जिससे कि कान्हा जी को हम ड्रेस आसानी से पहना सकें। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसका शेप कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हमें दोनों पीसेस लेने हैं स्कर्ट के और एक पीस को हमें देखिए इस तरीके से रखना है बिल्कुल बीचों बीच में ऐसे और यहाँ से सिलाई लगाकर हम इसको जॉइंट कर लेंगे। सेम ऐसे ही जो दूसरा पीस है इसको हमें इधर की तरफ से रखना है और इस तरीके से सेंटर में रखते हुए यहाँ से भी हम सिलाई लगाकर जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन समर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।